हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलवी सिस्टर्स सो ये गाइस ईद का पार्ट टू है जिसने अभी तक ईद पार्ट वन नहीं देखा है तो वो जाके पहले वो वाला व्लॉग देखें उसके बाद ये वाला व्लॉग देखें तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज था फिजा का बर्थडे तो ऑलरेडी घर में खाना वाना बना हुआ था बिरयानी वगैरह सब बनी थी तो कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे खाने वाने के लिए तो अब बचता है मूवी प्लान तो आप भी मूवी आई हुई या किसी का भाई किसी की जान और आज है सेकेंड डे मूवी का तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है ऐसा वैसा तो मालूम है कि मूवी बहुत बेकार है बट फिर भी हम लोग देखने आए हैं किसी का भाई किसी की जान क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था और आप लोग तो फिज़ा को जानते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है तो हम लोग ने डिसाइड किया तो हम आए हैं फिज़ा आई हैं जोया आई हैं चच्चा आए हैं और पुप्पी आई हुई हैं ठीक है तो हम लोग आए हुए हैं और अभी यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन इतनी तुआ। प्यारी तुम्हारी वीडियो मैं बना रही हूँ एंड यू आर मैंने ऑफ कर दिया भाई खड़े हो बहुत अच्छे लग रहे हो नाइस बिल्कुल आ रहा है हम खड़े हो इतनी बेकार वीडियो ली अच्छी आ रही है कितनी अच्छी आ रही है हाँ जी तो मूवी हो गई है स्टार्ट मूवी के बारे में क्या ही बोले मतलब सोचा तो था कि बेकार थी बट इतनी बेकार होगी ये नहीं पता था कोई स्टोरी नहीं है कोई गाने अच्छे नहीं है बहुत बोरिंग है बहुत गंदी पिक्चराइजेशन है सलमान का लुक भी अच्छा नहीं है लास्ट में एक दो लुक अच्छा होगा उसका बट ये लंबे बाल तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं शाहरुख ने जितनी इज्जत बढ़ाई थी पठान मूवी बनाकर उतनी बेज़ती करा दी है सलमान खान ने ये मूवी बनाकर और शहनाज गिल वगैरह का तो बहुत छोटा सा रोल है एक दो मिनट का रोल होगा उनका सो so गाइज ये है ईद का फिफ्थ डे ईद का फोर्थ या फिफ्थ डे है और हम लोग आए हैं मलियाबाद थोड़ा मज़े वज़े करने के लिए तो आप लोग को ये पता होगा मैंने एक बार आपको और भी दिखाया था जब हम लोग मलियाबाद जा रहे थे तो हम लोग काका के ढाबा आए थे यहाँ का तंदूरी पनीर पराठा होता है यार इतना मज़े का होता है अच्छा हाँ हमारी आधी फैमिली ऑलरेडी पहुँच चुकी है हम लोग थोड़ा लेट हैं एज यूजुअल हमारी हमारी कार में कुछ कजिनस हैं बाकी उस वाली कार में सब बड़े बड़े लोग हैं खाला हैं और छोटी नानी है सब लोग उस कार में एक्चुअल में यहाँ से हम लोगों को एक जगह और जाना है फार्म हाउस जाना है जो कि है मोहान रोड पे बट मेरे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने बन ऑर्डर कर दिया यहाँ का पनीर पराठा जो कि बहुत अच्छा होता है और बाकी सब लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर पकौड़े और चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी जिसको जो कुछ लेना था उन्होंने वो सब लिया है और ये मेरा आ गया है पराठा और पराठे के साथ मैंने मंगाया है सॉस क्योंकि सॉस के साथ मुझे पराठा बहुत अच्छा लगता है स्पेशली टमाटो सॉस के साथ कुछ लोगों को चटनी और दही के साथ भी पराठा अच्छा लगता है बट मुझे टमाटो सॉस के साथ अच्छा लगता है और यहाँ के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हैं बहुत सही हैं और अगर आपको ये ढाबा आना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये काकोरी और मलियाबाद के बीच में ये ढाबा पड़ता है तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हो यहाँ पर मेरा ब्रदर इन लॉ पोज दे रहा था और मैंने कैमरा हटा लिया था तो मैंने अभी वो चीज देखी तो मैंने वहाँ पर स्लोमो लगा दिया है आप लोग देख लीजिएगा और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर बशीर कोठी बुहान रोड पर है यहाँ पर है फार्म हाउस आम देखे हो गए हैं सब लोग पागल तो सब लोग यहाँ जुट गए हैं आम बटोरने के लिए और शाहनवाज तो ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ रहे थे आप देख लीजिए इनको

और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ जिनका नाम है आफरीन जो कि बहुत स्मार्ट लग रही थी आज मन तो कर रहा था यहीं पर छुरी प्लेट नमक नमक काली मिर्च सब लेके आते और यहीं पर खाते बट यहाँ पर ये यह सब इंतज़ाम नहीं था फाइनली हम लोग ढाबे पे दोबारा आ गए हैं यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी अपनी पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर करी यहाँ पर नॉन वेज वेज दोनों मिलता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो आके मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा राइस और दाल मखनी खाई बाकी और मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं ऑलरेडी पनीर पराठा खा के जा चुकी थी फाइनली हम आ गए घर और खाना तो खा के आए हैं और मैंने तो सिर्फ जीरा राइस खाया था तो जाहिर सी बात है मुझे दोबारा भूख लग गई थी शाहनवाज को भी लग गई थी तो मैंने तले मखेन और मैंने खाई अम्बिया उसमें नमक मिर्च और खूब इंजॉय की मैंने अपनी अम्बिया नाउ दिस इज दी नेक्स्ट डे और अम्बिया तो हमारे पास बहुत सारी थी तो हमने सोचा आधे का अचार डालेंगे और आधे का कुच्चा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं मसाला बना रही हूँ और मसाले में मैंने लिया है सौफ सौफ और धनिया बराबर क्वांटिटी में लेंगे मतलब एक जैसी क्वांटिटी में लेंगे और मेथी और कलौंजी लेंगे बिल्कुल बराबर छोटी सी बिल्कुल अमाउंट में लेंगे सिर्फ खुशबू के लिए ठीक है और इन सब को अच्छे से भून कर पीस लेंगे अम्बिया को मैंने यहाँ पर कद्दू कश कर लिया है कद्दूकश करने के बाद नमक लाल मिर्च और इसमें डालेंगे वही जो हमारा भुना मसाला है वो इसमें डाल देंगे बस और उसमें डाल देंगे ऑयल पका हुआ ऑयल मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल ही अचार में अच्छा लगता है तो मैंने वो यूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस यू विल लव ये इंस्टेंट कुचा है आप इसको कोई पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है इसको आप ऐसे ही खा सकते हो तो मैंने तो बनाई थी कढ़ी चावल और उसके साथ ही मैंने ये कुचा भी खाया वैसे तो मेरे घर में कोई कुचे उच्चे का शौकीन है नहीं सिर्फ मैं नहीं हो तो इसको अकेले मैं ही खाऊंगी और तो कोई खट्टा यहाँ पे खाता नहीं है और कढ़ी बनाई थी तो मैंने कढ़ी चावल अपना निकाल लिया है ये है मेरी प्लेट स्टील वाली और ये है शाहनवास की मैं स्टील की प्लेट में ज़्यादा खाना खाना पसंद करती हूँ क्योंकि स्टील में जो गरम देर तक रहता है खाना उसके बाद रात में हम लोग सब लोग कजिन मेरे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ और मेरी खाला सब लोग हम लोग गए थे चौक मक्खन खाया वहाँ पर और कुल्फ़ी खाई एक्चुअल में हम लोग निकले तो किसी और काम से थे बट फिर फाइनली हम लोग ने एंड अप इस पर कर दिया तो ही नहीं अच्छी लग रही है। नेक्स्ट <laughs> डे था ये और डेट वेट तो मैं मालूम नहीं क्योंकि बहुत दिनों के व्लॉग्स हैं और पेंडिंग था तो मैंने सोचा आप सब एक साथ ही अपलोड कर देते हैं क्लिप्स लेती जा रही थी बट अपलोड करने का टाइम नहीं था तो ये आम आम है मैंने जो इसको कटवा लिया था इसमें नमक और हल्दी मिलाकर रख देंगे ठीक है बट इतफाकान पता नहीं क्या हुआ दो तीन दिन तो बारिश लगातार हुई और उसके बाद इसको घर में भी काम वग़ैरह चल रहा था तो बंद बंद रह रह के वो सड़ गया आम ये सारा तो बस सोचा तो था कि इस बार आम का अचार मैं भी डालूँगी बट बैड लक था मेरा और बस दिक्कत गलती मैंने ये कर दी थी कि मैंने कपड़े से नहीं ढका था मैंने आ, स्टील की ही ट्रे से इसको मैंने ढक दिया था और ईद के आठवें दिन या नवे दिन मेरी फ़ैमिली आई थी और क्योंकि मम्मी पापा को मैंने रमज़ान में भी नहीं बुला था क्योंकि घर में घर बन रहा था और वो रमज़ान में भी नहीं आ पाए थे तो ईद में भी नहीं आने का उनका प्लान था बट मैंने ज़बरदस्ती बुलाया कि नहीं आप लोग आइएगा जोया ने कहा था कि मेरे लिए शरबत भी बनाना तो शरबत भी मैंने उसके लिए बनाया है बताशे हैं बहुत सारी चीज़ें थी टिक्की वग़ैरह थी और चिकन पॉपकॉर्न वगैरह था हाँ नीचे आपको ये तो बताना ही भूल कि नीचे भी अब काम स्टार्ट हो गया है तो मम्मी लोग बस थोड़ी देर ही रुकी और फिर वो चली गई थी खाने के लिए भी मैंने बहुत जबरदस्ती करी बट मम्मी लोग नहीं रुक पाई थी ओके गाइज तो ये नेक्स्ट डे हो और आज हम इस ट्रंक को खोलेंगे क्योंकि इसकी चाबी हो गई है खो चाबी हो गई है खोनी चाबी खो गई है और इसको लेबर से हम लोग तुड़वा रहे हैं क्योंकि इस बक्से में अब आप लोग सोचेंगे तो क्या है इस बक्से में मेरे ही शादी का सामान था जो कि मैंने रख दिया था और ताला बंद करके रख दिया था और उसके बाद ये कभी खुला ही नहीं तीन साल हो गए तो इसमें देखते हैं इसमें मिक्सर रखा हुआ है और इसमें पतीली सेट्स रखी हुई हैं और इसमें कैसरोल्स रखे हुए हैं कुछ ट्रे सेट रखे हुए हैं और एक दो चीज़ और रखी हुई है हाँ कैसरोल ही है वो तो ये सारे सामान रखे हुए थे इन सब को खाली करने का रीज़न ये था क्योंकि हमें बक्से में कुछ सामान रखना था और अब नीचे वाला किचन भी बनने लग गया है हालांकि अभी नीचे वाले किचन में कोई ख़राबी नहीं थी अभी पाँच छः साल वो चल सकता है क्योंकि हमारा किचन अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था बट ऊपर सब कुछ फर्निश्ड हो चुका है सब कुछ तैयार हो चुका है और शाहनवाज़ नहीं चाहते हैं कि कुछ भी पुराना लगे सब कुछ मतलब ऊपर से ले नीचे तक सब कुछ फर्निश्ड रहे और इसलिए नीचे भी रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है पहले सोचा था सिर्फ पीओपी पी और पेंट करवाएंगे बट अब नीचे भी इंटीरियर हो रहा है पूरा किचन वगैरह दोबारा से बन रहा है और जो डाइनिंग वॉल है इसमें इंटीरियर होगा और कुछ रूम्स में जहाँ पर सीलन है वहाँ पर पीवीसी पैनल्स लगेंगे और जिस रूम में मैं जहाँ पर रह रही हूँ जहाँ पर मेरा जो रूम मेरा रूम है नीचे वाला वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे मेरे ब्रदर इन लॉ और उन वहाँ पर भी सारा फर्नीचर बेड से लेकर बाहर वाला सोफ़े से लेकर सब कुछ चेंज होने वाला है तो अप्रॉक्स वन मंथ लगेगा और तभी मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि घर किस तरह से बिखरा हुआ है खाना भी बड़ी मुश्किलों में बन रहा है तो कभी बाहर से आ रहा है आज मतलब पाँच छः दिनों से काम स्टार्ट है और कभी बाहर से आ जाता है तो कभी हम अपने घर मायके चले जाते हैं लगातार तो तीन दिन से तो मैं अपने मायके जा रही हूँ वहीं पर रात का डिनर कर रही हूँ और सुबह नाश्ता बनाने आ जाती है रुचि सो इस तरह से कुछ हाल है इस वक्त घर का तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं इन मेरा मैं शिफ्ट होने वाली हूँ ऊपर पाँच छः दिन में फर्नी ऊपर सब फर्निश्ड हो गया सब तैयार हो गया है बस फर्नीचर्स जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी और बस ये है अभी तक का अपडेट अच्छा जी तो आज हम आए हैं लाटिश रोड और यहाँ पर आए हैं शैंडलियर और लैंप्स वग़ैरह लेने के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ये है इन इस शॉप का नाम है महिमा काफ़ी अच्छा इनके पास कलेक्शन है और यहाँ पर हम लोग आए थे लैम्प्स लेने के लिए और शैंड लेने के लिए जो कि हम लोग ने फाइनल कर दिया है और अब इन आप लोगों को दिखाऊंगी जब फाइनल पूरा तैयार हो जाएगा अब मैं तभी दिखाऊंगी और तभी आप लोगों को पूरा फुल टूर दूंगी अपने घर का जो कि तैयार हो चुका है और ये है मेरा कुछ लुक मतलब अब आज का जब घर का काम करने के लिए निकलो ना तो सुबह निकले हम लोग निकले थे दस ग्यारह बजे और अभी बज रहा है पाँच छः तो ये है अपडेट आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में